हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजीव का उसके पड़ोस की विमला आंटी की बेटी के साथ चक्कर था। दोनों एक दूसरे का दीदार करने छत पर ही जाया करते थे, लेकिन राजीव अपने काम की वजह से महिमा से ज्यादा मिल नहीं पाता था। एक रोज दोनों देर शाम पार्क में मिलते हैं। राजीव, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, क्योंकि तुम मुझे समय ही नहीं देते हो। महिमा, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, और बात रही मिलने की, तो जब भी समय मिलता है हम मिलते ही हैं। और अगर रात में छत पर आ जाता हूँ तो तुम्हें पता है तुम्हारी माँ को लगता है मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा, वो पहरेदारी और लगाए बैठी रहती है। ये तो तुम सही कह रहे हो। कल ही कबाड़ी वाला आया था, उससे कबाड़ बेच रही थी, तभी वहाँ आकर कहने लगी, किसने भेजा है, कहीं उस राजीव कबूतर का तो नहीं है? यार, तुम्हारी माँ हम प्यार के पंछी को ऐसे मिलने नहीं देगी। सच बता रहा हूँ, उन्हें पाप लगेगा। आखिर वो क्यों मुझ पर इतना शक करती है? क्यों ना करे, रात के 1 बजे मेरे कमरे में आने की जरूरत क्या थी? और पकड़े जाने पर क्या कह रहे थे, मुझे नींद में चलने की आदत है और मैं छत से कूद कर आया हूँ। क्या करता, तुम फोन नहीं उठा रही थी और मुझसे रहा नहीं जा रहा था। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर ना जाऊँ ना, तो मेरी भी अपने साथ कहीं जॉब ढूंढ लो। दोनों दिन भर साथ रहेंगे और समय बिताएंगे। तुम और जॉब करोगी, लेकिन तुम्हें काम कौन देगा? 12वीं तो तुमसे ठीक पास हुई नहीं, जॉब करने जाओगी तो क्या बताओगी, 12वीं पास करते करते रह गई। महिमा की माँ विमला को पहले से शक था कि राजीव और उसकी बेटी महिमा का चक्कर चल रहा है, और वो दोनों का चाहकर भी एक दूसरे से पड़ोसी होकर भी नहीं मिल पाते थे। जब भी मौका मिलता, विमला का कबाब में हड्डी बनना तो जरूरी था, जिस वजह से महिमा राजीव के साथ काम करना चाहती थी। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना था। वो मैं कहीं जॉब ढूंढने जा रही हूँ, घर में रहकर ना बोर हो जाती हूँ। क्या कह रही है, फिर से बोल, मैंने कहीं गलत तो नहीं सुन लिया ना? नहीं माँ, मैं सच में काम ढूंढ रही हूँ, बस आपसे ये पूछना था कि मैं काम कर सकती हूँ। पहले तो तू मुझे ये बता कि तुझ 12वीं फेल को कौन अपने काम पर रख रहा है, अपना समय और पैसे बर्बाद कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो ठीक है, कर ले, लेकिन सच कह रही हूँ, वो भी तेरी तरह 12वीं फेल ही होगा। अब महिमा की माँ विमला तो महिमा को जॉब पर जाने के लिए मान जाती है। अब अगली सुबह ही राजीव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी राजीव की माँ कुसुम राजीव को देखकर कहती है, क्या बात है, आजकल तू कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं रहता है कि तुझे अपनी माँ के लिए समय ही नहीं मिलता है? माँ, बस ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा हो गया है, और कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, मुझे भी सब खबर है, तेरे ऑफिस में काम ज्यादा हो गया है या पड़ोस वाले की बेटी के लिए समय ज्यादा हो गया है। माई, आप कैसी बात कर रही हो, मेरा महिमा के साथ ऐसा कुछ नहीं है। एक वो विमला आंटी है जो दिन भर मुझ पर शक करती रहती हैं और मेरे ऊपर निगाह रखती हैं। वो ऐसे निगाह रखती हैं मुझ पर जैसे कि मैं उनकी बेटी को भगा ले जाऊंगा। कुछ समय के बाद ये सब दिन भी देखना ही पड़ेगा। माँ, आप भी कुछ भी कहती रहती हो, चलो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। अब राजीव ऑफिस पहुँचता है और अपने बॉस से महिमा के लिए बात करता है। अरे राजीव, एक बात बता भाई, जिस लड़की की तू बात कर रहा है आखिर वो तेरी लगती कौन है? अरे राजीव, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपने ऑफिस में ना ये लव बर्ड्स नहीं चाहिए, क्योंकि ना वो लोग काम कम और प्यार मोहब्बत ज्यादा करते हैं। तो राजीव, मुझे तो लगता है वो तेरी बहन है। अबे मार डाला इसने तो मुझे, मेरी माशुका को मेरी बहन बना रहा है, अब इसे क्या कहूँ? अरे राजीव, अगर वो तेरी बहन है, कजन है, दोस्त है, तो उसका वेलकम है अपने ऑफिस में, उसे काम सिखा दियो, लेकिन कुछ और हुई ना तो देख लियो। जी 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 सर, मैं सब देख लूंगा, क्या कैसे है सब देख लूंगा। अब अगले ही दिन राजीव बस स्टैंड पर महिमा का इंतजार कर रहा होता है, और इधर महिमा तैयार हो रही होती है, जिसे देख विमला महिमा को ऊपर से नीचे तक देखती है। सच में तेरी जॉब लग गई है, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। वैसे तू ऑफिस जा रही है किसी बारात में, इतना कौन सचता है सवरता है? माँ, आपको क्या लग रहा है कि मुझे कोई जॉब नहीं देगा? तो सुन लो, पूरे 30,000 की सैलरी वाली जॉब लगी है मेरी। हाँ हाँ, वो देखूंगी ना इस महीने के आखिरी में। अब जा, वरना तेरे ऑफिस वालों को तुझे लेने के लिए क्रेन ना भेजना पड़ जाए। जा रही हूँ, इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रह गई। अब महिमा घर से निकलकर सीधा राजीव के साथ उसके ऑफिस पहुँचती है।
लेकिन विमला भी कम नहीं थी। उसे भी शक था कि महिमा हो ना हो राजीव के साथ ही होगी। इधर महिमा ऑफिस पहुंचती है। मुझे काम कौन बताएगा, तुम या तुम्हारा बॉस? मैं बताऊंगा, और ध्यान रहे तुम मेरी दोस्त हो ना कि गर्लफ्रेंड। हाँ हाँ ठीक है। अब दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी राजीव की मैनेजर कोमल का राजीव के केबिन में आना होता है और वो महिमा को देखकर चौंक जाती है। महिमा तुम यहाँ? अरे मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि तुझे काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ कैसे? अच्छा मैं तो भूल ही गई, जहाँ प्यार हो वहाँ तो जाना बनता है। अरे राजीव क्या कह रहे हैं ये लोग, कोमल तेरी गर्लफ्रेंड है? लेकिन राजीव तूने तो हमें कुछ बताया नहीं, तूने तो कहा दोस्त है। सर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, प्लीज सर मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए, महिमा को लेकर कोई बवाल नहीं होगा। सर महिमा अच्छी लड़की है, वो काम अच्छे से करेगी, आप उसे एक मौका तो दीजिए। अब राजीव के मैनेजर के कहने पर महिमा को राजीव का बॉस रख लेता है, लेकिन महिमा और राजीव के ऊपर आने वाली मुसीबत से वो अनजान थी। राजीव जो आज घर से खाना ही नहीं लेकर गया था, उसकी माँ कुसुम राजीव को खाना देने के लिए घर से निकलती है। अरे कुसुम कहाँ जाना हो रहा है? अरे विमला बहन राजीव के ऑफिस जा रही हूँ, वो आज खाना लेकर नहीं गया। अरे मैं भी उधर मार्केट ही जा रही थी, चल मैं भी चलती हूँ साथ में। हाँ हाँ क्यों नहीं, चल साथ चलते हैं, मेरे बेटे का ऑफिस भी देख लियो। आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, कब से सोच रही हूँ कि इसके बेटे के ऑफिस का पता मिल जाए, लेकिन यहाँ तो सीधा उसके ऑफिस ही जा रही हूँ अब मैं। अब कुसुम राजीव के ऑफिस पहुँचती है, जहाँ लंच का समय हो चुका होता है। राजीव और महिमा दोनों साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं, तभी दोनों कुसुम और विमला उनको देखकर चौंक जाते हैं। यही रह गया था, राम रे राम, ये कुलक्षणी घर पर इससे दीदार नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ उसके ऑफिस चली आई तू, आज घर चल, तुझे तो मैं बाहर ही नहीं निकलने दूंगी अब। अरे विमला ये राजीव का ऑफिस है, ये क्या कर रही हो, चलो यहाँ से, घर चलकर तमाशा करना। अरे कुसुम तुझे कहती रही कि तेरा बेटा मेरी बेटी को फंसा रहा है, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं है मेरी। अरे चल तू यहाँ से, देख लोग कैसे देख रहे हैं तुझे, विमला समझने की कोशिश किया कर। अब जैसे तैसे विमला को कुसुम राजीव के ऑफिस से घर लाती है, और राजीव महिमा को लेकर पीछे से घर आता है। अब तू घर से बाहर निकल कर तो देखा, तुझे बताती हूँ मैं, इतना तमाशा करने से अच्छा था आप मुझे सह दे देती, क्या जरूरत थी राजीव के ऑफिस में इतना तमाशा करने की, कि मेरे साथ साथ उसकी भी नौकरी चली गई। सही हुआ तुम दोनों के साथ, काम के समय आशिकी करोगे तो यही होगा ना। तुझे कितनी बार बोला था कि इस विमला की बेटी के चक्कर में मत पड़, लेकिन तेरी अकल भी घास चरने गई थी, अब भुगत। माँ ये सब आपका किया धरा है, क्या जरूरत थी विमला आंटी को वहाँ ले जाने की, कितना ड्रामा किया उन्होंने सबके सामने, आपको पता भी है। मुझे क्या पता वो बहाने से तेरे ऑफिस जा रही है। इस विमला आंटी का कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये मेरा प्यार मुकम्मल नहीं होने देगी। अब किया भी किया जा सकता था, राजीव की गर्लफ्रेंड का उसके ऑफिस में पहला बिताया हुआ दिन उसके साथ साथ उसका भी आखिरी दिन बन गया था। प्रीति और महिमा दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी, लेकिन प्रीति एक अमीर परिवार से थी और महिमा एक गरीब परिवार से। महिमा के पिता का एक छोटा सा ढाबा था, वहीं प्रीति के पिता राकेश एक बड़े व्यापारी थे। प्रीति के पिता जो भी रिश्ता प्रीति के लिए तलाशते उसे डेट पर उस लड़के के साथ भेजते, तो प्रीति हर बार अपनी दोस्त महिमा के साथ मिलकर उन लड़कों को डरा देती या भगा देती थी, साथ ही हर बार अपनी जगह अपनी दोस्त महिमा को डेट पर भेज देती थी, और फिर महिमा भूत या आत्मा का ड्रामा कर लड़कों को भगा देती थी। ऐसे ही एक बार और प्रीति के पिता उसे एक लड़के के बारे में बताते हुए कहते हैं, प्रीति आज तुम्हें एक लड़के के साथ डेट पर जाना है, और खबरदार इस बार तुमने कोई गड़बड़ की या ये रिश्ता हाथ से गया तो तुम्हारी खैर नहीं। पर पापा आपको सब पता है मुझे अभी शादी नहीं करनी है, आप फिर भी ये फालतू के रिश्ते मेरे लिए ढूंढ रहे हैं। चुपचाप जो मैंने कहा है वो करो। अपने पिता की ये बात सुनने के बाद प्रीति वहाँ से गुस्से में चली जाती है, और फिर अपने दोस्त महिमा को कॉल लगाकर कहती है, हेलो महिमा यार एक प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या हुआ तेरे साथ, फिर से तेरे पापा ने कुछ कहा क्या, नया बकरा ढूंढ रहे हैं क्या तेरे लिए?
हाँ यार, एक और नया बकरा ढूंढा है उन्होंने। यार प्लीज एक लास्ट टाइम हेल्प कर दे मेरी। बिल्कुल नहीं, याद है ना लास्ट टाइम तेरी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी मैं, और तू तो आराम से 9-11 हो गई थी। अरे माही, पुरानी बातों पर मिट्टी पा, तू तो मेरी बहुत पक्की वाली दोस्त है ना, मान जा यार एक लास्ट बार। तू कहती है तो लास्ट टाइम तेरी मदद कर देती हूँ, लेकिन आगे से नहीं करूँगी, समझी? ये हुई ना बात। प्रीति की इतनी मिन्नतों के बाद महिमा उसके बदले डेट पर जाने को राजी हो जाती है। अब प्रीति महिमा को एक अमीर लड़की की तरह दिखने के लिए उसे पार्लर लेकर जाती है। उसका हुलिया बदलवा कर उसे महंगे महंगे कपड़े दिलवाती है। महंगे महंगे कपड़े मेकअप के बाद महिमा बहुत सुंदर दिखती है और उसे देखकर प्रीति कहती है, अरे मेरी जान, तू तो बहुत हॉट लग रही है, देखना वो लड़का तुझे देखते ही लट्टू हो जाएगा। भूल गई क्या, मैं शादी करने नहीं तोड़ने जा रही हूँ। हाँ हाँ याद है मुझे, अब चल जल्दी वरना लेट हो जाएंगे। वैसे प्रीति कह तो सही रही है कि महंगे कपड़े पहनकर बहुत सुंदर लग रही हूँ, लेकिन मेरे नसीब में कहाँ ये महंगे शौक, ये सब एक सपना ही है मेरे लिए और सपना ही रह जाएगा। अरे अब कहाँ खो गई, चलना नहीं है क्या? हाँ चल। इतना कहकर अब दोनों सहेलियाँ गाड़ी में बैठकर उस लड़के से मिलने कॉफी शॉप में जाती हैं, जहाँ पहुँचकर प्रीति महिमा से कहती है, सुन महिमा तू आगे चल, मैं तेरे पीछे आऊंगी और तेरे आसपास ही रहूंगी, बस तू डरना मत, ओके गुड लक। इतना कहकर प्रीति अंदर चली जाती है। महिमा थोड़ी घबराई हुई वहाँ जाती है और सामने वाली टेबल पर देखती है एक बहुत ही स्मार्ट सा अमीर लड़का बैठा हुआ था। महिमा समझ जाती है कि यही वो लड़का है जिसके साथ उसे आज डेट करनी है, और उस लड़के का नाम था मयंक, जो महिमा को देख कहता है, क्या आप ही प्रीति हैं? जी हाँ मैं ही हूँ प्रीति। जी आप अपने नाम की तरह ही बड़ी प्रीटी हैं। वैसे मेरा नाम मयंक है। ओफ, आपका नाम भी काफी अच्छा है आपकी तरह। यार लड़का तो बड़ा स्मार्ट है और अमीर भी, पर किस्मत खराब है, ये मेरे नसीब में नहीं है। जो भी है छोड़, अब अपना ड्रामा शुरू करना चाहिए। क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? अब करते हैं ड्रामा शुरू। इतना कहकर महिमा अपने आप में अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। खाने को बड़े अजीब तरीके से खाती है और तो और मयंक के सामने भूत बनने का ड्रामा करती है और उससे कहती है, तू वही है ना जिसने मुझे मारा था, तूने ही मेरी जान ली थी ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तेरी जान लेकर रहूंगी। अरे प्रीति ये आप क्या कह रही हो, मैंने किसी को नहीं मारा, सच में ये तुम्हें क्या हो गया है? महिमा की ये हालत देख मयंक वहाँ से भाग जाता है और जाने के बाद पीछे की टेबल पर बैठी प्रीति आगे आती है और महिमा के पास जाकर उस लड़के का बहुत मजाक बनाती है। उसके बाद दोनों दोस्त प्रीति के घर आती हैं और महिमा को भी सभी महंगी चीजें प्रीति को वापस देनी पड़ती हैं जो प्रीति ने उसे डेट पर जाने को दी थी। ये सब चीजें वापस देने का महिमा का मन नहीं था, पर सब प्रीति का था तो वो वापस कर देती है और अपने घर आ जाती है और अपने कमरे में लेटे हुए खुद से बातें करते हुए कहती है, यार प्रीति की लाइफ कितनी बढ़िया है ना, उसके पास कितना महंगा सामान और किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और वो भी क्यों, आखिर उसके पापा इतने बड़े आदमी जो हैं और एक मेरे पापा एक ढाबे वाले, अब मुझसे और इस गरीबी में नहीं जिया जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा अपने शौक पूरे करने के लिए मुझे। इतना कहकर महिमा सो जाती है। अगले दिन सुबह महिमा अपने पापा हरिया से कहती है, पापा मुझे कुछ चाहिए। हाँ बोल बेटी, क्या चाहिए तुझे? मुझे 10,000 रुपए चाहिए। इतने सारे पैसे का तू क्या करेगी? मुझे चाहिए, मुझे कुछ कपड़े लाने हैं, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए हैं। पर बेटी इतने ज्यादा पैसों की तुझे क्या जरूरत है? आप देंगे या नहीं? अरे बेटी मेरा सब कुछ तेरा ही तो है, मैं तो बस ये समझाना चाहता हूँ कि हम गरीब लोगों को महंगे शौक नहीं रखने चाहिए, क्योंकि हमारे महंगे शौक कई बार हम पर ही महंगे पड़ जाते हैं। महिमा को समझाने के बाद हरिया उसे 10,000 रुपए दे देता है, लेकिन महिमा को हरिया की एक भी बात समझ नहीं आई और वो पैसे लेकर सीधा एक बड़े और महंगे शॉपिंग मॉल में चली जाती है। महिमा बहुत महंगी महंगी ड्रेस खरीद लेती है। कपड़े खरीदते समय महिमा एक आदमी से टकरा जाती है, वो आदमी उसे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। अब महिमा सभी पैसों की शॉपिंग कर चुकी थी,
अब बारी थी बिल पे करने की। जैसे ही महिमा अपना पर्स निकालती है तो देखती है कि पर्स उसके पास नहीं है और वो सामने बैठे आदमी से कहती है, सर मेरा पर्स, वो मेरा पर्स नहीं मिल रहा है। अच्छा पर्स नहीं मिल रहा, मुझे पागल समझा गया तूने? तो जैसे फटीचर यहाँ रोज आते हैं और यही बहाना बनाते हैं कि पर्स नहीं मिल रहा या खो गया है। सर ऊपर एक आदमी मुझसे टकराया था, शायद उसने मेरा पर्स ले लिया है। अच्छा जी, अभी पर्स नहीं मिल रहा था और अब चोरी हो गया। तू रुक, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तभी तू सच कहेगी और दोबारा यहाँ तो क्या किसी भी महंगी जगह पर नहीं जाएगी। ये सब देखकर महिमा रोने लगती है, तभी वहाँ पर मयंक आ जाता है और वो महिमा को देख उसे पूछता है, अरे प्रीति तुम यहाँ और तुम ऐसे क्यों रो रही हो, यहाँ क्या हुआ है बताओ मुझे। महिमा उसे सारी बात बताती है और मयंक उसका सारा बिल पे करके बाहर उसके साथ आता है और फिर महिमा मयंक को डेट पर जो उसने मयंक के साथ किया उसके बारे में सब सच बता देती है। मयंक मुझे माफ कर देना, मेरा नाम प्रीति नहीं महिमा है, प्रीति मेरी दोस्त है जिसने मुझे अपनी जगह डेट पर तुम्हारे साथ भेजा था क्योंकि उसे अभी शादी नहीं करनी थी। हाँ मुझे सब पता है, मैं जब कल प्रीति के घर शादी के लिए ना कहने गया था तब मुझे प्रीति ने सब कुछ सच बता दिया था। मुझे माफ कर देना, मैं अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए ये सब कर बैठी और देखो मेरे महंगे शौक मुझ पर ही भारी पड़ गए। महिमा मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अपने हर शौक को पूरा करना जरूरी है, पर पूरा ना करना भी ठीक नहीं है, इसलिए जितना मिलता है उसमें खुश रहो। मयंक की बातें अब महिमा को समझ आ गई थी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।